हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जाम डेट के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया स्थापना के 2 साल बाद भी सत्र नियमित नहीं। फ्रेंड्स, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की न्यूज है जिसमें दिया गया है कि स्थापना के बाद 2 साल भी सत्र नियमित नहीं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का परीक्षा कंट्रोलर का क्या कहना था, एग्जाम कंट्रोलर का इस देरी के बारे में, और कब तक एग्जाम ले जाने की संभावना है, इन सारी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक एक चीज भी स्पष्ट हो सके। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी रजिस्ट्रेशन और एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी वो मैं आपको सबसे पहले तक पहुँचा सकूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया मगध विश्वविद्यालय से अलग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि समय पर दाखिला और परीक्षा होंगी, लेकिन स्थापना के 2 साल बाद भी यहां सत्र नियमित नहीं हो सका है, परीक्षा भी समय पर नहीं हो रही है। वर्ष 2018 के मार्च में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पहले तो नामांकन प्रक्रिया में देरी हुई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को मगध विश्वविद्यालय से अलग की गई थी एग्जाम समय पर लेने के लिए, क्योंकि उसमें परेशानियाँ होती थी। तो फिर भी ये परेशानियाँ अभी तक नहीं ख़त्म हुई है, तो हो सकता है कि ये न्यूज आने के बाद कुछ एग्जाम जो कंट्रोलर जो है कुछ सतर्क हो जाए। तो देखिए, इसके बाद परीक्षाओं के संचालन में विलंब हो रहा है। सत्र 19-20 में जो भी स्टूडेंट्स नामांकन किए हैं, जो पार्ट वन 19-20 में पीजी में किए हैं, या फिर जो 19-22 सेशन में ज्वाइन किए हैं BSc BCom जो भी कोर्स आते हैं ग्रेजुएशन के, उस कोर्स में आप अगर एडमिशन लिए हैं तो उन सभी के लिए भी ये खबर है। तो पीजी छात्रों का अभी तक परीक्षाएं भी नहीं हुई, दूसरी स्नातक नामांकन वाले छात्रों का अभी तक परीक्षा का शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ। फिलहाल फ्रेंड्स, नहीं रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन ना हुई तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भराया है, और साथ ही साथ परीक्षा का शेड्यूल तो जारी नहीं हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मैं दिखा देता हूँ, तो वो तो जारी नहीं हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, परीक्षा फॉर्म तक तिथि जारी नहीं की जा सकी है। रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुई है, देखिए रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो चुकी है, अभी तक परीक्षा फॉर्म भी अभी तक नहीं भराया जा सका, स्थिति घोषित नहीं हो सकी। इसी अंदाजा लगा सकता है कि यह विलम्ब चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फरवरी 2020-28 तक जो है पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन ली गई थी पार्ट वन की, हालांकि एग्जाम अप्रैल के लास्ट में पिछले साल भी थोड़ी सी लेट हुई थी एग्जाम लेने वक्त में, तो इस बार भी कोई भी सतर्कता नहीं बरता गया है। तो देखिए, यहाँ दिया गया 18-19 के स्नातक पर छात्रों के नामांकन में भी देरी हुई है, जो MSc के छात्र हैं अब तक परीक्षाएं भी अनियमितता है। जनवरी 2020 तक इन छात्रों को थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जानी थी, पर विश्वविद्यालय ने अब तक सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएँ ली हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप सभी को एग्जाम कंट्रोलर का इस पर क्या कहना था। तो एग्जाम कंट्रोलर का यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहता है, होली से पहले पीजी वन और पीजी टू की परीक्षाएं ली जाएगी, स्नातक पार्ट वन और पार्ट टू की परीक्षाएं अप्रैल से प्रारंभ होने की संभावना है, वहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो है होली से पीजी वन और पीजी टू सेमेस्टर और स्नातक पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री जो भी स्टूडेंट 18 से 21 तथा 19 से 22 सत्र में आते हैं, उन सभी का नहीं रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन जो 18 से 21 में तो उन सभी का तो हो गया, उसका सिर्फ फॉर्म भराना बाकी, जो 19 से 22 में आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी नहीं फॉर्म भरा चुका है। तो देखिए, उसके बारे में दिया गया है कि पार्ट टू की परीक्षा अप्रैल से प्रारंभ होने संबंध में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो पार्ट वन पार्ट टू की परीक्षा अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, हो सकती है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म एक साथ भरा जाए, बहुत जल्द ही प्रक्रिया हो जाएगी, जब भी आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। उससे पहले चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, इससे फ्रेंड्स कोई इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं आई है अभी तक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, भी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। जब भी आएगी तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर नोटिस बोर्ड देखिए, बहुत पुराना नोटिस लगा हुआ है 20-1-2020, उसके बाद कोई भी नोटिस नहीं है। जब भी कोई नोटिस आएगी या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।